हेलो हेलो फ्रेंड, आज जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइबर ऑप्टिकल केबल मैप के बारे में। देखो, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल मैप है वो एक्चुअली सबमरीन मैप है। सबमरीन मतलब जहाँ पर समुद्रों में जो हमारी फाइबर केबल्स बिछाई जाती है ताकि हम इंटरनेट की सर्विस यूज कर पाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो उसका मैप अगर आपको देखना हो तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर जाना है और वहां पर लिखना है सबमरीन केबल मैप। ठीक है, आपको लिखना है सबमरीन केबल मैप। जैसे ही आप सबमरीन केबल मैप लिखोगे आपको एक वेबसाइट खुलेगी जिसके अंदर आपको अपना क्लिक करना है। आप सबमरीन केबल मैप देख सकते हो पूरे कंट्री की, जहां पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग केबल्स बिछी हुई हैं और उनका वो कहाँ से कौन सी कंट्री में बिछी हुई सब दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबमरीन केबल मैप लिखा, तो जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर मेरा सबमरीन केबल मैप का एक मैप खुल गया। तो ये पूरा मैप खोलने में थोड़ा सा समय लगता है, 2 मिनट या 3 मिनट, 1 से 3 सेकंड लगते हैं। तो जैसे ही हमने खोला तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज दिखनी शुरू हो गई हैं। तो वो भी थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो ये जैसे ही लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग ब्राउज दिख जाएंगे। तो जैसे ही आपको इसको ब्राउजर दिखेंगे, यहाँ पर जो आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं या फिर ये लाइन दिख रही है, ये सारी हमारी केबल्स है। तो अगर आपको इसके बारे में देखना है, मान लो अगर मुझे केबल देखनी है कि यहाँ पर ऑफकोर्स, चलो इंडिया में चलते हैं, पहले इंडिया के साइड पे चलते हैं। तो जैसे मैं इंडिया पे आया, यहाँ पे देखिए इंडिया यहाँ पर है। तो जैसे मैं इंडिया की तरफ आया, ओके इंडिया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। तो मान लीजिए ये इंडिया है, मेरा एरिया है। इंडिया में हमें 1, 2, 3, 4 जगह से मेनली केबल्स मिल रही हैं जहाँ पे हम मेराइन से हमारी। तो मान लीजिए मैंने एक केबल पर क्लिक किया, मैं देखना चाहता हूँ कि ये केबल कितनी लंबी है, कितनी कहाँ से किस ओनर ने बिछाई है, तो वो सब चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये केबल जो है यहाँ से मलेशिया, यूस्तानी, साउथ अफ्रीका एंड मडागास्कर, ऐसे कई जगह से निकल के, ऐसी कंट्री से निकल के इंडिया में आ रही है। तो ये केबल जो है वो है 13,500 किलोमीटर लंबी, और इसका ओनर जो है ऑरेंज कंपनी, टेलीकॉम्युनिकेशन या टाटा कम्युनिकेशन की ये केबल है। A2IT कंपनी है एंड कई कंपनीज ने इसके लिए पैरा लगाया। तो मैं आपको बता दूं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो सबमरीन में बिछाई थी वो एक अकेली कंपनी नहीं बिछा सकती, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज आपस में पैसा लगाती हैं और वो केबल्स अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बिछाती हैं। तो ऐसे ही आप किसी और कंट्री की अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और केबल आ रही है, वो देखता हूँ उस पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो मैंने एक केबल पे क्लिक किया है जिसका एरिया जो है वो इंडिया से शुरू होके, ओके ये केबल मैंने चूज की है, ये इंडिया में है, पाकिस्तान में, यूनाइटेड अरब अमीरेट, फ्रांस से आ रही है, यहाँ पे एक मेड इन सी है, यहाँ पर तुर्की है, सीरिया है, ये कई जगह से गुजरती हुई केबल आ रही है। और ये केबल जो है वो 12,000 किलोमीटर लंबी है, और इंडिया में इसका ओनर जो है टेलीकॉम टाटा कम्युनिकेशन की केबल है। एंड एट भारती ने केबल अपने लिए रिजर्व कर रखी है इंडिया में। तो ये केबल इन्होंने अलग अलग कंपनीज ने पैसे देके अपने लिए बिछवा रखी है। तो ऐसे ही कई और कंपनीज अलग अलग कंट्रीज की जो इसके लिए पैसा देती हैं और अपनी कंट्री में फाइबर ऑप्टिक केबल की सर्विस लेती हैं। तो इस तरह से आप अपना सबमरीन केबल मैप देख सकते हो। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी तो आप हमारी कंपनी के साथ info.co.in पे जाकर हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।